एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, कहते हैं कि सच जितना टाइम जूता पहनने में लेता है उतने टाइम में झूठ पूरी दुनिया घूम चुका होता है। और ये तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आपके अंदर हजार अच्छाइयां हैं, वो नहीं फैलेगी, वो लोगों तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन आप में अगर एक बुराई निकल आई तो आप देखिए वो आग की तरह फैलती है और आपके आसपास रहने वाले सभी लोगों तक वो बुराई की खबर जरूर पहुंच जाएगी। और इसी तरह आप लोग सोशल मीडिया पर देखिए, व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इस तरह के आप देखिए कि ये झूठी खबर डाल दी जाती है और वो आग की तरह फैलती है। अब आपके सामने आएगी, आप बिना जांच पड़ताल किए कि ये सही है या गलत, आप शेयर कर देंगे, आगे पहुंचा देंगे, आगे वाला और आगे पहुंचा देगा, इस तरह बढ़ता रहता है। अभी हाल ही की बात है, आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान से भारत मैच हारी तो उसके बाद आप देखिए कि एक विशेष धर्म के खिलाफ आपने देखा होगा कि टिप्पणी की जाने लगी। और आपने ये भी देखा होगा कि विराट कोहली का एक चित्र बना दिया गया एडिट करके, उसके नाम उसके नीचे किसी धर्म विशेष का नाम दिया जाने लगा कि ये नाम छुपा के रह रहा था कोहली, नहीं ये किसी और धर्म का है। और आपने देखा, मैंने देख रहा था कि वो फोटो इस तरह से वायरल हो रही थी, और इस तरह की कई खबरों को आप देखते हैं कि वायरल होती रहती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि वहां कहीं मस्जिद तोड़ी जा रही है या मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और उसके बाद मालूम चला कि वहां की जो जांच पड़ताल की गई तो वो फर्जी खबरें निकली, भ्रामक खबरें निकली, यानी कि लोगों में एक तरह से डराने वाली या लोगों को लड़ाने वाली खबरें निकली। और वैसे आप देखिए इस तरह की जांच भी नहीं हो पाती है, इस तरह की हमारे यहाँ जांच एजेंसी भी नहीं है कि इस तरह की झूठी खबरों को रोका जाए, पाबंदियां लगाई जाए। आप देखिए इस तरह से राजनीतिक लाभ भी होते हैं, तो राजनेता अगर आप सत्ता है जिसके पास उसकी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप कितना भी झूठ फैलाते हैं तो मुझे लगता है आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी हाल ही में क्या है कि ये चर्चा में इसलिए है कि हाल ही में प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक ने भ्रामक खबरों को नियंत्रित करने के लिए जारी बजट का 87% ये आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका में खर्च किया है, जबकि भारत जहां 34 करोड़ फेसबुकों को उपयोग करता है वहां भ्रामक खबरों पर नियंत्रण के लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए हैं। यह आप देख लीजिए, ये आप देखिए पृथ्वी हमारी, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इसकी बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। और आप देखिए कि फेसबुक की बात कर लीजिए या किसी और साइट की बात कर लीजिए, हमारे यहाँ तो देखिए आप लोग की नफरत ही भरी जाती है। आप देखिए कई वीडियो वायरल होते हैं, कई आप देखते हैं कि ट्विटर पर इस तरह की ट्वीट होते हैं, फिर भी नहीं रोका जाता है। और मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसलिए इस तरह की टॉपिक से आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर आपसे निबंध पूछा जा सकता है, क्योंकि आप देखिए आजकल इस तरह की खबरें काफी फैलाई जा रही हैं। समाज में प्राचीन काल से ही कुछ अफवाहें, चमत्कार, गप, लोक जीवन, लोक परंपरा का अभिन्न हिस्सा रही है, और किसी स्थान विशेष से जुड़ी चमत्कार की घटना पर विश्वास कर हजारों लोग वहां जाने लगते हैं अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए। पारंपरिक समाज में विश्व से विज्ञान से पृथक समाज में यह प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। अभी आप देखिए कि इस तरह के कोई भी कहीं इस तरह की खबर फैला दी जाती है और लोग वहां पूजने लगते हैं, और मालूम चलता है कि इस तरह की कोई घटना ही नहीं हुई है। और आप देखिए कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं, जो एक तरह से आप कम जागरूक होते हैं, उन लोगों में इस तरह का उन्हें भ्रामक, या आप कह सकते हैं कि उन्हें इस तरह की वो इस तरह के चमत्कार की घटनाओं पर भरोसा जल्दी हो जाता है। और वैसे तो आपको कहूं कि भारत में पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे लोगों को देखा है जो भी इस तरह की अंध, आप कह लीजिए, चमत्कारों में फंस जाते हैं। जो समाज जितना अधिक आधुनिक अर्थात तर्कवाद, वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर पूर्वाग्रह से मुक्त होकर निर्णय लेता है, वो समाज झूठी खबरों के प्रभाव में उतना ही कम फंसता है। वर्तमान में डिजिटल मीडिया के दौर में झूठी खबरें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लाभ हेतु सुनियोजित ढंग से प्रचारित की जा रही है। और इससे आप देखिए कि मान लीजिए पॉलिटिशियन का काम तो होता है, राजनेताओं का काम तो लड़ाना होता है, समाज को लड़ाना होता है, और आप देखिए कि हमारे भारत की उदाहरण ले लीजिए आप लोग,
अब आप सोचिए कि जम्मू कश्मीर में बोल दिया जाए कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, तो आप देखिए देश के बाकी हिस्सों में आप देखिए कि एक तरह से उस धर्म पर असर पड़ेगा। जो सोचने वाले नहीं होंगे, जो उससे खबर को सही जांच पड़ताल करने वाले नहीं होंगे, वो भटक जाएंगे और वो यहाँ झगड़ा करने लगेंगे वहां की घटना को लेकर। और आप देखिए इस तरह से वोट बैंक में एक तरह से नेताओं को फायदा होगा और इससे समाज में विश्वास का संकट उत्पन्न होने लगता है। और किस घटना को सत्य मानना चाहिए और किस पर संदेह करना चाहिए, जहां सोशल मीडिया के दौर में खबरों की पहुंच आसान हो रही है, वहीं उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। और एक बात और मैं बताता हूँ, मैं कई न्यूज चैनलों को आप लोग फॉलो करिए, न्यूज 20 24, NDTV, आज तक, जी न्यूज, आप देखिए इन चार न्यूज पेपरों को अगर आप लोग न्यूज चैनलों को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है कि कभी पढ़े लिखे, अच्छे पढ़े लिखे लोग भी एक तरह से चकरा जाते हैं, भ्रामक हो जाते हैं कि आखिर कौन सही बोल रहा है, समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इस तरह की आजकल इस पर भी विशेष तौर पर ध्यान देना होगा। हमारे पास न्यूज का तो अंबार लगा हुआ है, लेकिन हमें सही गलत का मालूम ही नहीं चल पाता है। डिजिटल मीडिया और भ्रामक जानकारी की बात करें तो सोशल मीडिया की सबसे बड़ी खूबी और खामी रही यही रही है, और इसने एक मंच प्लेटफॉर्म प्रदान किया हुआ है लोगों की अपनी सूचना जानकारियों विचारों को दुनिया भर के साझा करने का। इससे खबरों पर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दबदबे में कमी आई है, और अब नागरिकों ने अपनी समस्याओं, अपने समाधान, अपने विचार सोशल मीडिया पर साझा करना प्रारंभ कर दिया है। नागरिक सरकार और शासन प्रशासन की मध्य दूरी को कम करने में सोशल मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हुई है। देखिए मैंने पहले भी बोला हुआ है कि आप देखिए कि इसके सोशल मीडिया के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, लेकिन आप देखिए कि फायदे हम लोग ना देख के हम लोग नुकसान का ही काम करते हैं, आप देखिए कि समाज को तोड़ने का ही काम करते हैं। अब हम देखिए कि हमें कम से कम हमारे पास एक दिमाग दिया हुआ है, आप देखिए हमारे पास दो आंखें दी हुई हैं, दो कान दिए हुए हैं, और ये दिमाग केवल रखने के लिए नहीं है, सोचना भी तो चाहिए हमें कि आखिर खबर सच हो सकती है या गलत है। और अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही, थोड़ा सर्च करके मुझे लगता है कि आराम से मालूम चल जाएगा। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी बड़े पैमाने पर हो रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मंच की अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मंच पर उपयोगकर्ता द्वारा जारी साझा की जा रही है जानकारी सही है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल नहीं की जाती। देश के किसी भी हिस्से में अराजकता फैलाई जा सकती है कुछ आपत्तिजनक पोस्ट साझा करके, और आप देखिए कि एक तरह से समाज में भेदभाव या समाज को लड़ाया जाता है। अब आप देखिए हिंदू मुस्लिम को ले लीजिए, कहीं आप देखिए झूठी खबर हमारे देश की खबर ना हो और कह दिया जाए कि मस्जिद तोड़ी जा रही, देखिए, और आप देखिए या मंदिर तोड़ा जा रहा है, तो आप देखिए कि जो बिना सोच वाले होते हैं, जिनके पास अपना दिमाग तो होता है लेकिन वो जंग खाया होता है, वो बिना कुछ देखे या देखे अपने आस पड़ोस में रहने वाले उस धर्म के लोगों से लड़ने लगता है, उनके मंदिर मस्जिद को तोड़ने लगता है, नुकसान पहुंचाने लगता है, तो ये भी नुकसान देखे जा रहे हैं। भारत में डिजिटल मीडिया की बढ़ती भूमिका की बात करें तो हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हम सूचनाओं के ना केवल उपभोक्ता है बल्कि उत्पादक भी है, और प्रतिदिन औसतन लगभग 1.49 बिलियन लोग फेसबुक पर लॉग इन करते हैं, औसतन हर सेकंड ट्विटर पर लगभग आप देखें 6,000 ट्वीट किए जाते हैं, और इंस्टाग्राम की शुरुआत के बाद से इस पर अब तक 40 मिलियन से अधिक तस्वीरें पोस्ट की गई है। और आपको बता दूं भारत इन सब में सबसे आगे चल रहा है। भारत में तेजी से इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या में इजाफा हो रहा है, और जिससे विकास के नए अवसरों जैसे ई कॉमर्स, टेली एजुकेशन, टेली हेल्थ के साथ ही अनेक प्रकार की चुनौतियां जैसे साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा, पोर्नोग्राफी, फेक न्यूज उत्पन्न हो रही है। और भ्रामक खबरों की अगर हम लोग नकारात्मक प्रभाव की करें बात, सीधा सा कहने का मतलब है कि इन झूठी खबरों की अगर हम लोग प्रभाव की बात करें कि इनका क्या प्रभाव पड़ता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर फेक न्यूज झूठी खबरों के माध्यम से आर्थिक राजनीतिक एजेंडे को लागू किया जाता है, और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, पोर्नोग्राफी, साइबर अपराध, अराजकता और अव्यवस्था उत्पन्न करने के साधन के रूप में इस प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग होने लगा है, और चुनाव में राजनीतिक लाभ लेने के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हेतु राजनीतिक दलों द्वारा सुनियोजित ढंग से मुहिम चलाई जाती है। धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार करके क्षेत्रवाद, अलगाववाद की भावना को भड़काकर अफवाह फैलाकर सामाजिक ताने बाने को नष्ट किया जा रहा है।
सोशल मीडिया द्वारा वर्ष 2012-13 संचालित अरब स्प्रिंग मूवमेंट ने यह सिद्ध कर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर नॉन स्टेट एक्टर्स गैर राज्य अभिकर्ता देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं और इस प्रकार भ्रामक खबरें देश की संप्रभुता एकता अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौती उत्पन्न कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, अगर आप सोशल मीडिया पर बैठे हुए हैं तो कम से कम आपके पास ऑप्शन आता है रिपोर्ट करने का। अगर आपको लगता है कि ये झूठी खबर है, आपको पता है कि झूठी खबर है, तो उसे आप लोग रिपोर्ट किया करिएगा और उसे आगे मत बढ़ाया करिएगा, शेयर मत किया करिएगा। झूठी खबर बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो सोशल मीडिया एक साधन मात्र है और जिसका इस्तेमाल पूर्णतः उपयोगकर्ता पर निर्भर करता है और भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है। व्यक्ति को अपने द्वारा पोस्ट किए जा रहे कंटेंट, साझा की जा रही सूचना के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, अन्यथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर दंगा फसाद भड़काने, मासूमों की जान लेने की कीमत फर्क नहीं रहेगा। और एक बात और आपको बता देता हूँ, देखिए आप सभी जानते हैं कि संविधान में भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं और आर्टिकल 19 की बात हो रही है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की बात हो रही है, बोलने की आजादी है आपको। लेकिन याद रखिए कि उन पर भी पाबंदी है, आपके अधिकार वहीं तक सीमित हैं जहां तक दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। अब आप देखिए कि आपको बोलने की स्वतंत्रता है, अब आप कुछ किसी को गाली देने लगिए, उल्टे सीधे भाषण देने लगिए और ऐसे शब्द कहने लगिए जो देश की एकता अखंडता को एक तरह से उसमें गंभीर चुनौती उत्पन्न करे या समस्याएं सामने खड़ी कर दे, तब आपकी आपके अधिकारों पर पाबंदी लगाई जा सकती है, ठीक है। और व्यक्ति द्वारा साझा की गई जानकारी के प्रति जवाबदेह न बनाए जाने से समाज में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी और विश्वास का संकट मूल्यहीनता उत्पन्न करेगा और सरकार की जवाबदेही में कमी आएगी, क्योंकि सरकार के खिलाफ लगाए जा रहे किसी भी तरह के आरोपों को झूठा बताकर खारिज कर दिया जाएगा। अगर हम लोग सोशल मीडिया पर नियामक की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में तहसीन एस पूनावाला मामले में सरकार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैर जिम्मेदाराना हिंसक संदेशों के प्रसार को नियंत्रित करने के मामले में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की थी और जिसमें मॉब लिंचिंग या भीड़ को उकसाने की प्रवृत्ति हो। लेकिन आप सभी जानते हैं कि सरकारें इस तरह के सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कोई भी निर्णय देते रहे, सरकार को कोई भी सुझाव देते रहे हूँ, लेकिन सरकार कभी इन पर मुझे लगता है कि ध्यान कम ही देती है। डिजिटल समाचार मीडिया संगठन पहले से ही भारतीय प्रेस परिषद की आचार संहिता से जुड़े हुए हैं और परंतु डिजिटल प्लेटफॉर्म के सामान्य उपयोगकर्ताओं को उनकी शिकायतों के निवारण हेतु और उनके अधिकारों के उल्लंघन के मामले में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नए सूचना प्रौद्योगिकी 2021 लागू किए गए हैं और नए दिशा निर्देशों के अंतर्गत 5 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ता वाली महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स को 3 प्रकार के अधिकारियों, एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल संपर्क अधिकारी जो 24 घंटे और 7 दिन उपलब्ध होगा, एक निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति भारत में करनी होगी। अनिवार्य रूप से यह सभी अधिकारी भारतीय नागरिक होना चाहिए। और एक बात और, आपने अभी देखा होगा कि फेसबुक ने भी काफी सुधार किया हुआ है। अब आप सभी जानते हैं कि अगर फेसबुक पर 2-3 अकाउंट बनाते हैं आप लोग तो आपके अकाउंट पर ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद आपने देखा होगा कि आपसे आईडी प्रूफ भी मांगने लगा है, ठीक है। तो यह प्लेटफॉर्म पर साझा की गई कोई सामग्री सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन करती है तो उसके बारे में शिकायत निवारण अधिकारी की शिकायत दर्ज की जा सकती है और अधिकारी को 24 घंटे के भीतर शिकायत पर संज्ञान लेना होगा तथा 15 दिनों के भीतर इसका समाधान भी करना होगा। विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों में 24 घंटे के भीतर शिकायत का समाधान करने की अपेक्षा की गई है। महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स अपनी मासिक रिपोर्ट में शिकायतों की संख्या और की गई कार्रवाई से संबंधित जानकारी साझा करेंगे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा इन कानूनों का अनुपालन न करने पर उन्हें आईटी अधिनियम की धारा 79 यानी कि 79 के तहत प्रदान की जाने वाली सेफ हार्बर सुरक्षा से वंचित किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि झूठी सूचनाओं से निपटने में चुनौतियां क्या हैं, आप देखिए इस क्षेत्र में अगर इस तरह की भ्रामक खबरों को रोकने में आखिर चुनौतियां क्या बनी हुई है, तो एक तो आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन, फेक न्यूज के नाम पर राज्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकते हैं, क्योंकि शुरू शुरू में सरकार के विरुद्ध आरोप लगते हैं कि बाद में मामले का संज्ञान लेकर जांच एजेंसी और न्यायालय पर निर्णय देते हैं और ऐसे में राज्य
वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ फेक न्यूज का आरोप लगाकर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसलिए भी आप देखिए चिंता का कारण बना हुआ। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड डेटा तक सरकार की पहुंच नागरिकों की गोपनीयता के मामले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। अब आप सोचिए कि आप लोग फेसबुक या व्हाट्सएप से या इंस्टाग्राम से आप लोग मैसेज कर रहे हैं, किसी दो लोगों के बीच आप लोग बात कर रहे हैं, या फिर आप देखिए कोई ग्रुप बनाए हुए हैं आप लोग, और उसमें इस तरह की आप लोग न्यूज डालते हैं, और मान लीजिए सरकार आपकी अगर आपके मैसेज को देखने लगी, तो आप देखिए हो सकता है सरकार कहीं आपके और भी कोई प्राइवेट मैसेज भी देख सकती है। तो ये भी एक तरह से चुनौती बना हुआ है। नागरिकों द्वारा साझा की गई भ्रामक जानकारी कई बार गैर इरादतन भी होती है। सभी नागरिकों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो हर विषय के विशेषज्ञ भी हो। ऐसे में प्रोपेगेंडा के तहत जानबूझकर फैलाई गई फेक न्यूज और गलती से जानकारी के अभाव में या अनजाने में फैलाई गई भ्रामक जानकारी को समादृष्टि से देखना अनुचित है, और ऐसे में नागरिकों के बोलने के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा और स्वस्थ लोकतंत्र असहमति को विरोध को अभिव्यक्ति के करने के मार्ग में साधक बनता है, बाधक नहीं। तो एक तरह से समस्याएं भी बनी हुई है। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? नागरिकों में डिजिटल साक्षरता को लेकर जागरूकता पैदा की जाए, इस पर पहले भी बोला हुआ है कि एक तरह से लोगों को जागरूक करना चाहिए, और मुझे लगता है कि उन्हें इतना तो एक तरह से जागरूक हो जाना चाहिए कि वो सही और गलत का एक तरह से अंतर समझ सकें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और उपयोगकर्ता दोनों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए G20 जैसे समूह को मल्टीनेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विनियामक संबंधी दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां विकासशील और विकसित देशों के मध्य विभेदपूर्ण नीतियां अपनाती है। जैसे फेसबुक द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, भारत को डेटा स्थायीकरण और साइबर सुरक्षा संबंधी अवसंरचनात्मक ढांचे के विकास पर जोर देना चाहिए और गलत और झूठी सूचनाओं पर अंकुश लगाने के हेतु कानून व्यवस्था के सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। लेकिन इस बात की को भी सुनिश्चित करने की जरूरत है कि नागरिकों की गोपनीयता से किसी भी प्रकार का कोई समझौता न हो, यानी कि लोगों के एक तरह से आप कहिए कि एक तरह से निजता का अधिकार के अधिकार का उल्लंघन ना हो। और फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग कम से कम इतने तो जागरूक हो जाइए, अपने बच्चों को, अपने परिवार के और भी मेंबर्स को इतना बताते रहा करिए कि कोई इस तरह की खबर आती है तो उसे आगे बढ़ाने से पहले कम से कम उसकी सच्चाई जान लिया करिएगा, ठीक है। और आपको बता दूं कि कभी कभी इस तरह की अगर शेयर कर देते हैं आप लोग, फैलाते हैं आप लोग खबर, तो आप लोगों पर भी केस हो सकता है, FIR हो सकती है। तो मुझे लगता है कि आज के समय में तो आपको बच के रहना चाहिए, संभल के एक तरह से आपको कहते ना कि फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए।